अस्सलाम वालेकुम प्रो पाकिस्तानीज, मेरा नाम है अकरम अली और आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तानी टेक। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो है वीवो Y51 की अनबॉक्सिंग। वीवो अपना एक मिड रेंज स्मार्टफोन, अर्ली मिड रेंज रादर स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करने को है। इस फ़ोन की प्राइस पाकिस्तान की मार्केट में अंडर 35,000 होने वाली है। फ़ोन की लॉन्च 15 सितंबर को है, तो हम ये वीडियो चूँकि पहले बना रहे हैं तो हमें कोई आइडिया नहीं कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है। इस फ़ोन के जो मेन फीचर्स हैं उसके अंदर इस फ़ोन का इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 6.38 इंचेस की फुल HD प्लस एस एमोलेड स्क्रीन है। यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी है वो 4500 mAh की है और उसके अलावा 48 MP का AI क्वाड कैमरा सेटअप है। अब ये डिवाइस कैसी है, क्या है, क्यों है, वो तो अनबॉक्सिंग में पता चलेगा, बट इसके अभी तक जितने भी फीचर्स सुने हैं वो काफ़ी मज़ेदार किस्म के हैं। तो ये डिवाइस एक उस लेवल की ऑडियंस को टारगेट करने वाली है जो एंट्री लेवल से ऊपर और मिड रेंज से नीचे की स्पेसिफिकेशंस के फ़ोन को बाय करना चाहते हैं। तो जल्दी से चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ और देखते हैं वीवो ने हमें Y51 में क्या ऑफ़र किया है। जी तो प्रो पाकिस्तानीज, ये है हमारे पास वीवो Y51 का बॉक्स और पैकेजिंग काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे Y51 और बॉटम पे हमारे पास वीवो मेंशन है, साइड पे भी वीवो, जबकि बैक पे इस फ़ोन के कुछ फीचर्स जिनके अंदर 48 MP AI क्वाड कैमरा सेटअप, 6.38 इंचेस फुल HD प्लस एस एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग और 4500 mAh की बैटरी। कलर है हमारे पास जैजी ब्लू। तो हम ज़रा जल्दी से देखते हैं कि ये डिवाइस दिखने में कैसी है और अंडर 35,000 में वीवो अपने यूज़र्स के लिए क्या लेकर आया है। अगर इस बॉक्स की लिड को हम पिक करें जल्दी से, तो यहाँ पे हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग किस्म का बॉक्स है। डेफिनेटली इसके अंदर ये सारी चीज़ें जिसमें इस फ़ोन का केस है, और ये अच्छी बात है कि उर्दू में हमारे पास पेपर वर्क आता है वीवो की तरफ से। सिम इजेक्शन टूल हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें जो चार्जिंग केबल है वो टाइप सी के अंदर देखने को मिलती है। डिवाइस हमारे बिल्कुल सामने है और कलर जैजी ब्लू मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैंने स्नीक पीक में देखा था, बट डिवाइस आपको दिखाते हैं। पहले ज़रा इसको टर्न ऑन करके साइड पर रख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास IMEI नंबर्स की इंफॉर्मेशन है और जल्दी से अगर हम इस वाले बॉक्स को फर्दर ओपन करें तो हैंड्स फ्री हमें देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, दिस इज़ वन रेयर साइट। और यहाँ पे हमारे पास एक वीवो का चार्जर है जो कि 18 वॉट का है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 4500 mAh की बैटरी के साथ हमें 18 वॉट का चार्जर देखने को मिल रहा है। तो आते हैं जी डिवाइस की तरफ। सबसे पहले ज़रा इस रैपर को हम रिमूव करते हैं और पहले फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक ग्लॉसी फिनिश है और जैजी ब्लू एक काफ़ी अच्छा कलर है। यहाँ पे सेम वो S1 Pro वाले पैटर्न का डायमंड कैमरा कट आउट है, जहाँ पे हमारे पास क्वाड कैमरा सेटअप है। यहाँ पे हमारे पास फ्लैश लाइट है और बिल्कुल सेंटर में वीवो की ब्रांडिंग है। ग्लॉसी है बट फिंगरप्रिंट तो कैच करेगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे कवर की सहूलत मौजूद है, जबकि बॉटम पे हमारे पास चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। जल्दी से डिवाइस को सेटअप कर लेते हैं और फिर बात करते हैं। जी तो प्रो पाकिस्तानी, इस डिवाइस हमारे पास सेटअप हो चुकी है। डिवाइस लाइक कैरी करने में थोड़ी सी भारी लग रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट सबसे पहले बात करें इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पे हमारे पास 6.38 इंचेस का फुल HD प्लस एस एमोलेड डिस्प्ले है। यहाँ पे हमारे पास 2340 बाय 1080 की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है
और इसका जो डिस्प्ले है ये वन ऑफ़ द मेन सेलिंग फीचर्स होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। यहाँ पे हमारे पास एक सेल्फी कैमरा भी है जो कि 16 मेगापिक्सल का है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो की अगर हम बात करें तो बॉटम पे आपको थोड़ी सी चिन बेयर करनी पड़ेगी, साइड्स के बेजल्स काफ़ी बेहतर हैं और टॉप पे भी बेजल्स कंपेयर टू साइड्स थोड़े से ज़्यादा हैं, बट अंडर 35,000 आपको इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर और यहाँ पे एस एमोलेड और फुल HD प्लस की स्क्रीन देखने को मिल रही है। बात करें अगर यहाँ पे हमारे पास जो कैमरा सेटअप है बैक पे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये S1 से इंस्पायर्ड है, बट दिखने में ये डिवाइस काफ़ी बेहतर है। तो कैमरा में हमारे पास 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट का 16 मेगापिक्सल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे जो कैमरा के अंदर हमारे पास मोड्स हैं, उनमें हमारे पास नाइट मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, फ़ोटो, वीडियो, जबकि मोड के अंदर हमारे पास AI 48 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड एक सेक्शन है, पैनोरामा है, लाइव फ़ोटो, टाइम लैप्स और कुछ AR स्टिकर्स और जो भी विजन को लेके कुछ चीज़ें हैं। प्रो मोड भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इस फ़ोन की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रो पाकिस्तानीज़, यहाँ पे जो प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है वो है स्नैपड्रैगन 665, 4GB 128GB का ये वेरिएंट है। और यहाँ पे जो हमें बैटरी देखने को मिल रही है वो है 4500 mAh की और 18 वॉट का चार्जर, मैं आपको ऑलरेडी उसके साथ बता चुका हूँ। एंड्रॉयड 10 की सपोर्ट है जी हमें यहाँ पे, और वीवो का जो फन टच OS 10 है बेसिकली वो एंड्रॉयड पे ही बेस करता है, उसका जो UI UX है वो आपको देखने को मिल रहा है। इस फ़ोन के अंदर दो मज़ीद कलर्स भी आपको देखने को मिलते हैं जिनमें मिस्टिक ब्लैक और ड्रीमी वाइट है, जबकि हमारे पास ये जैजी ब्लू है। और अगर इसको कंपेयर करें S1 Pro से, तो S1 Pro आपको 40 प्लस रेंज में देखने को मिलता था, जबकि ये 35 से नीचे आपको देखने को मिलेगा। अब इसका रिव्यू करेंगे तो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ों के बारे में बात कर पाएंगे। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।